तो दोस्तों इस शुक्रवार को दो मूवीज रिलीज हो रही हैं, एक तो है 102 नॉट आउट और एक है ओमेटा। तो ये मूवी जो ओमेटा है इसका मूवी रिव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने और इस मूवी की स्टारकास्ट जो है वो है राजकुमार राव, राजेश तेंगल, रुपेंद्र नागरा, केवल अरोड़ा और इस मूवी की अवधि है 1 घंटा और 38 मिनट। नेशनल अवार्ड विनिंग निर्देशक हंसल मेहता और राजकुमार राव की जोड़ी ने शाहिद, सिटी लाइट्स, अलीगढ़ जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं। अब ये जोड़ी ओमेर्ता को लेकर एक बार फिर से अलग तरह का सिनेमा दर्शकों को देने जा रही है। फिल्म को कई फेस्टिवल्स में पहले ही दिखाया जा चुका है जहां इसकी तारीफ भी हुई है। इस फिल्म को सेंसर में मंजूरी के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, काफ़ी मशक्कत के बाद किसी तरह ये रिलीज को तैयार है। आइए जानते हैं आखिर कैसे बनी है ये फिल्म। तो इस कहानी की बात करते हैं। फिल्म की कहानी ओमर शहीद शेख यानी राजकुमार राव की है, जो पैदा तो पाकिस्तान में हुआ लेकिन उसका पालन पोषण और परवरिश लंदन में हुई। ओमर बेसनोया में मुसलमानों पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए पहले पाकिस्तान जाता है, फिर वहां से भारत के दिल्ली में रहकर कई घटनाओं को अंजाम देता है। फिल्म में 1992 से लेकर 2002 तक की अवधि में ओमर के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया, जिसमें दिल्ली में विदेशियों की किडनैपिंग, आंधार विमान समझौता और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला और साथ ही ब्रिटिश जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की हत्या के साथ साथ और भी कई अहम घटनाओं का जिक्र है। फिल्म में तमाम संदर्भों को किस तरह दिखाया गया है इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों देखें ये मूवी। ये फिल्म मात्र 98 मिनट की है, जो कि हंसल मेहता की आज तक की सबसे छोटी फिल्म है, लेकिन राजकुमार राव ने एक बार फिर से बहुत ही उम्दा अभिनय किया है, जो ओमर के किरदार में पूरी तरह से लिप्त नज़र आते हैं और कई ऐसे सीन्स बन पड़ते हैं जहां राजकुमार राव आपको बिल्कुल अलग अवतार में देखने को मिल जाएंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि इस मूवी को बनाना आसान काम नहीं था, ऐसी फिल्म हंसल मेहता जैसे फिल्मकार ही बना सकते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया है, कई ऐसे सीन हैं जो आपको सोचने पर विवश करते हैं, क्या सच में इतना खतरनाक आतंकवादी था ओमर। फिल्म की रिसर्च वर्क कमाल की है, फिल्म देखते ही ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसे बनाने के लिए हंसल मेहता ने एक बार भी ओमर या उसके परिवार से मुलाकात की हो या नहीं की हो। फिल्म की रफ्तार बहुत ही शानदार है। अब इस मूवी की कमज़ोर कड़ी की बात करते हैं। फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कमज़ोर दिखे, हालांकि जब यह मूवी फेस्टिवल में दिखाई गई थी तो कई सीन मौजूद थे जिन्हें सेंसर किए जाने के बाद अब दर्शक नहीं देख पाएंगे। हालांकि जिस तरह से हंसल मेहता ने फिल्म को बनाया है वो काफ़ी उम्दा है, अगर आप अडल्ट हैं तो फिल्म को मिस नहीं कर सकते। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म का बजट करीब 14 करोड़ बताया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को कितनी बड़ी रिलीज़ मिलती है और साथ ही इसका वीकेंड कलेक्शन भी निर्माताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। एवेंजर्स पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर भूचाल मचा रही है। एवेंजर्स और अमिताभ ऋषि की 102 नॉट आउट की मौजूदगी में इस मूवी को कितनी स्क्रीन मिलने वाली है दिलचस्प होगा। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और इस मूवी को हम देना चाहेंगे 3.5 स्टार और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, क्योंकि मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।